हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, आपसे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्कूल ऑफ अपर लर्निंग के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एग्जाम कब से स्टार्ट है, कौन कौन सी आपकी शिफ्ट है और आपके एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। सो गाइस, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ड्यू शीट सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ जो ओपन लर्निंग की जो शिफ्ट है वो कैसे कैसे रखी गई है। गाइस, दो शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, एक होगा मॉर्निंग शिफ्ट और एक होगी इवनिंग या आफ्टरनून शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का जो टाइमिंग रखा गया है वो है 9:30 to 1:30 एंड जो आफ्टरनून शिफ्ट है उसका है 2:30 to 5:30। मैं आपको बता देता हूँ जो आपका एग्जाम है उसकी जो वैलिडिटी है, मतलब जो ड्यूरेशन। और गाइज, मैं आपको बता देता हूँ जो आपका एग्जाम है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका 4 आवर्स का होगा। 3 आवर्स में आपको एग्जाम लिखना होगा और 1 आवर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और आपको स्कैन करके अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है। और आप मेरी बात से समझ ही चुके होंगे कि तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। जी हाँ, आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर से हो चाहे आप थर्ड सेमेस्टर से हो, आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है फॉर सोल। जैसे कि आपने देखा होगा रेगुलर के कॉलेज में भी ऑनलाइन कंडक्ट होने लग गए हैं एग्जाम, मतलब डेट भी आ चुकी है एग्जामिनेशन के लिए और प्रॉपर वहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह जो भी रिलीज कर दिए जाएंगे। ऐसे ही आपका एग्जाम भी OBE होने वाला है। तो गैस, अगर आपको OBE से रिलेटेड कोई टिप्स चाहिए तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है OBE की रिगार्डिंग। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको एग्जाम कैसे लिखना होगा, आपको फर्स्ट फ्रंट पेज पे आपको क्या लिखना होगा जिससे ज़्यादा मतलब जो इंप्रेशन है टीचर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ जाए और आपको चांस हो कि आपके अच्छे मार्क्स सोल के अंदर आपको मिल जाए। सो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। और आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा, 3 घंटे आप अपना एग्जाम लिखेंगे जो भी क्वेश्चंस होंगे और 1 आवर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा और प्लस उसके अंदर अपलोड करना होगा स्कैन करके प्रॉपर। तो वो 1 आवर आपको इसलिए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो गाइज, 4 आवर आपकी एक्चुअल टाइमिंग रहेगी एग्जाम की। सो गाइज, मैं आपसे बात कर लेता हूँ आपके जो एग्जाम्स हैं वो कब से शुरू होने वाले हैं। 15 मार्च 2021 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे बात करूं तो आपका जो लैंग्वेज का एग्जाम है, चाहे वो BCom के स्टूडेंट हो चाहे BA ऑनर्स के स्टूडेंट हो, लैंग्वेज तो सबके लिए एक होती है, चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है। तो आपका 15 मार्च को English A, English B, English C और हिंदी का आपका एग्जाम होगा। और 16 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, इकोनॉमिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा इकोनॉमिक्स से उनका एग्जाम है 16 मार्च को। 17 मार्च को फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जिन स्टूडेंट्स का 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका एग्जाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो BCom के स्टूडेंट हैं 17 मार्च को कंडक्ट हुआ है, तो फ्रेंड ध्यान रखना। और 20 मार्च को बिजनेस लॉ का एग्जाम है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। आपके पास पता ही होंगे आपको कौन कौन सब्जेक्ट अलॉट किए गए हैं। जब आपकी फाइनल लिस्ट आती है, फाइनल मतलब जब आप फॉर्म भर देते हो उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हुआ होगा सोल के अंदर, तो आपको एक प्रॉपर वहाँ पे सब्जेक्ट भी दिखाई दिए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट शीट चेक कर लेना। मैंने डेट शीट का जो प्रॉपर लिंक है डाउनलोड करने का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके अपनी डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की डेट आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपसे बात करूँ नेक्स्ट, 22 मार्च को आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एग्जाम है फॉर थर्ड सेमेस्टर। जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर वालों का थर्ड सेमेस्टर होगा, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का आपका एग्जाम है 22 मार्च को। गाइज, इसी का ध्यान रखना। और मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको ड्यूरेशन कितना दिया जाएगा। मैंने आपको बताया 4 घंटे दिया जाएगा, और अगर PW स्टूडेंट के लिए आपको 6 घंटे प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जाम के लिए। सो गाइज, मैं आपसे बात कर लेता हूँ कुछ टिप्स के बारे में जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ध्यान रखनी है। सो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो OBE एग्जाम होगा वो नॉर्मल एग्जाम से थोड़ा सा हार्ड होता है, बिकॉज उसके अंदर एक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपसे कोई ना कोई इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके लिए आपको वो आंसर लिखना होगा। और गाइज, जब भी आप एग्जाम देंगे तो एक सेपरेट रूम में बैठ जाना, 3 से 4 घंटे के लिए अपने आप को लॉक कर लेना, क्योंकि बहुत प्रीशियस होने वाले हैं 4 घंटे। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम 2 घंटे में लिख दिया और आप 1 घंटा घूम रहे हो फिर लंच कर रहे हो। तो कोशिश ये करना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर देना, देन आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। और गाइस, OBE के टिप्स के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बना रखी है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो गाइस, लास्ट पॉइंट पर आपसे यही बात करूंगा, अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए और जो भी आपकी रेफर बुक है, जो आपको रेफरेंस बुक बताई है आपके टीचर्स के थ्रू या फिर जहाँ भी आप ट्यूशंस ले रहे हैं या फिर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो अपनी रेफर बुक को कैरी कीजिए और
और गाइस सबसे बेस्ट वे है कि आप 10 ईयर के प्रीवियस ईयर जो पेपर आए हैं उनको एक बार एनालाइज कर लीजिए कि किस तरीके से पेपर आ रहे हैं, चाहे वो थर्ड सेम के स्टूडेंट हो चाहे वो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हो। आपको ऑनलाइन भी गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से जाके बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, क्योंकि उससे आपको क्या होगा थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किस टाइप के एग्जाम आ रहे हैं, किस तरीके से आपको मतलब क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो लगभग आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा, और जिससे आप पेपर को एनालाइज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सो गाइस मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहता कि आपके सोल के जो एग्जाम है वो शुरू होने वाले हैं 15 मार्च से। सो गाइस होप सो आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, अगर आपके लिए यूजफुल रही है हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अदर न्यू अपडेट्स। जय हिंद, जय भारत।